आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12th में मतलब HSC में कम मार्क मिले हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ना कि वो BSc, BA, BCom इस रूट पे जाने वाले। एक प्रोफेशनल कोर्स करके एक प्रोफेशनल डिग्री पाना चाहते हैं, साथ में अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। हाँ दोस्तों, ऐसा एक कोर्स है जो 12th में कम मार्क्स मिलने के बाद भी आप कर सकते हैं, उसका नाम है D Pharmacy, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हाल ही में D Pharmacy कंप्लीट की है और सोच रहे हैं कि आगे B Pharmacy करूँ, M Pharmacy करूँ या यहीं पे स्टॉप करना है, और अगर स्टॉप करते हैं तो आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है। जी, बिजनेस भी आप कर सकते हैं और साथ में जॉब भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद। तो इस वीडियो में आप सबका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, साथ में फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो जो लोग हेल्थ केयर से है या जिनको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए दोस्तों, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर होना चाहिए, तभी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी फार्मेसी होने के बाद जनरली दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। पहले मैं बिजनेस के बारे में बोलूँगा। बिजनेस में सबसे पहला बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद, तो वो है मेडिकल शॉप, रिटेल स्टोर, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी कम से कम 5 से 6 लाख रुपए। इसके बाद आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, मिनिमम 25 से 30 हज़ार आपको मिल ही सकता है, क्योंकि इसमें मार्जिन रहता है 20% और ओवरऑल कॉस्मेटिक्स का मार्जिन 10 से 15% से वैरी होता है। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए कैसे मेडिकल स्टोर चलता है, मार्जिन कैसा है और कैसे हम प्रॉफिट कमा सके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दोस्तों, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैंने मेडिकल स्टोर और उसके प्रॉफिट के बारे में बनाया है। तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है एज ए होलसेलर, आप होलसेल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे ही डी फार्मेसी होता है, आप बिजनेस का सोच रहे हैं और आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे, समझिए 25 से 30 लाख रुपए है, तो आप स्मॉल होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल डिपेंड रहता है कौन सी कंपनी आप रख रहे हैं, जनरली जेनरिक भी रख सकते हैं, आप सर्जिकल रख सकते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी रख सकते हैं या कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं, डिपेंड है आप पे, हर एक की इन्वेस्टमेंट अलग है। आपको डिटेल में इसकी भी कंटेंट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए जो मैंने फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स पे बनाए हैं। और तीसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टर्नओवर भी मिलेगा इससे, क्योंकि अगर आप अच्छी सेल्स टीम रखेंगे, आप लोन लाइसेंस से, लोन मैन्युफैक्चरर या थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट मंगवाते हैं कोई मॉलिक्यूल सिलेक्ट करने के बाद, तो वो अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, उस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, और अगर आपकी टीम भी अच्छी रहेगी तो 100% आप 1 लाख से ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों डी फार्मेसी में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी जो सिमिलर बी फार्मेसी में भी है, बहुत लोग बी फार्म करने के बाद वो करते हैं, जैसे मैंने रिटेल स्टोर बताया बिजनेस, जो बी फार्म या एम फार्म करने की बात करते हैं, तो आपके वैल्यूएबल टाइम बच जाएगा अगर आप अभी डिसीजन लेते हैं तो। इसके अपॉर्चुनिटी के बाद मैं अभी बताऊंगा जॉब में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है डी फार्मेसी करने के बाद। तो पहली अपॉर्चुनिटी, आप मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग फील्ड है सबसे ग्रोइंग फील्ड है जिसमें आप ज़्यादातर पैसा कमा सकते हैं अगर आप सीरियस है और अच्छा काम करते हैं तो। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो अच्छा पैकेज देती है, साथ में अच्छा इंसेंटिव भी देती है प्रोडक्ट का आपका टारगेट होने के बाद, तो आप कौन सी भी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनियां लेती है, क्योंकि फार्मेसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही अभी बहुत सारी कंपनियां ज़्यादातर ले रही हैं। तो अगर आपको इसमें कंटेंट चाहिए कि आप मार्केटिंग में कौन सा काम करेंगे, कितने आपकी सैलरी होगी, कैसे बढ़ सकते हैं, तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, साथ में मैंने ये भी वीडियो बनाया कि आप इसके इंटरव्यू कैसे क्रैक करें ईजिली। तो ये हो गया पहले जॉब अपॉर्चुनिटी। फिर मैं बोलूँगा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो है क्लिनिक्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते
वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ फार्मेसिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, 50 to 20,000 आपको मिल सकती है सैलरी। फिर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद। बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है जो कंपनीज के आपको सैलरी मिल सकती है, उससे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट में मिलेगी, क्योंकि इसका बेसिक ही 15,000 to 20,000 रहता है। उसके बाद आगे भी बढ़ सकता है, उनमें ग्रेड पे भी बढ़ सकता है, एज ए एक्सपीरियंस होगा तो और आप आगे जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, क्योंकि ये बी फार्मेसी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, एम फार्मेसी के भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सैचुरेशन बहुत होगा, इसीलिए आप डी फार्मेसी के बाद ही डिसीजन लेंगे, वही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं समझ लेता हूँ आपको सब ऑप्शन याद रहेंगे, और अगर आपको कुछ पूछना है और आपको एक्सपीरियंस कुछ अलग आता है और आप कंफ्यूजन है कि ये आप फार्मेसी में डी फार्मेसी करना है, बी फार्मेसी करना है, या इस फील्ड में जाना है, ये फील्ड कैसी है, तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में पूछिए। दोस्तों इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।